हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बैकलिंक्स के बारे में। बैकलिंक क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं, डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट बैकलिंक होते क्या है। सो बेसिकली बैकलिंक्स जो है, ये ऐसे लिंक्स हैं जो हमारी अदर वेबसाइट से हमारी वेबसाइट तक ट्रैफिक को लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके जरिए जो है हमारा जो SEO यानी कि जो गूगल के अंदर हम जो नंबर वन पे वेबसाइट्स देखते हैं, तो वहां पर आने के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये कैसे क्रिएट करे जाते हैं, ये तो हम डेफिनेटली आगे किसी वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन अभी समझ लेते हैं बैकलिंक जो है ये किस तरह से रोल प्ले करते हैं और आपको क्या क्या रोल जो है इसके अंदर, क्या कहां से बैकलिंक आपको लेनी चाहिए। तो पहली चीज होती है बैकलिंक्स जो है वो आपको हमेशा रिलेवेंट वेबसाइट से लेने चाहिए। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि ऐसी वेबसाइट से ट्रैफिक लाना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसी वेबसाइट पे जाके जो है बैकलिंक ले लेते हैं जहां पर हमारा जो कंटेंट है, हमारे जो वेबसाइट का या ब्लॉग का जो कंटेंट है वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट से जो कोई रिलेशन नहीं है, मतलब उसका कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। इरिलेवेंट कंटेंट वाली वेबसाइट से अगर आप जो है ट्रैफिक लेकर आते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि वहां से जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगी या आपके ब्लॉग पे आएगी वो आकर जो है उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, बिकॉज उनका निश कोई डिफरेंट है, आपका निश डिफरेंट है। तो डेफिनेटली वो आएंगे और तुरंत आपकी वेबसाइट को बंद कर देंगे और ये एक बहुत बड़ी पेनल्टी हो जाती है गूगल की नजर में कि क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं बट दे डोंट, उसको ये मान लेता है गूगल का जो एल्गोरिथम है वो ये मान लेता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो परफेक्ट नहीं है या यूजफुल नहीं है, बिकॉज लोग आ रहे हैं और बंद कर दे रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग के ऊपर डालता है। तो हमेशा जो आप लोगों को जो बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं वो ऐसी वेबसाइट्स पे करने हैं जहां से आपका कंटेंट और उनका कंटेंट जो है वो मैच करता है। दूसरी चीज यहां पे आपको बैकलिंक्स ऐसी वेबसाइट से कोशिश करना है लें जिनका डोमेन अथॉरिटी जो है वो आपका ज्यादा हो, यानी कि वो वेबसाइट्स की खुद की रेपुटेशन है, तो डेफिनेटली आपके वेबसाइट पे भी उसका जो है इंपैक्ट एक पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप जो है रिलेवेंट वेबसाइट से ट्रैफिक तो ले रहे हो, बैकलिंक्स तो ले रहे हो, लेकिन उनका खुद का जिस वेबसाइट से आपने बैकलिंक लिया उनका खुद का जो डोमेन अथॉरिटी है वो परफेक्ट नहीं है, या उनकी वेबसाइट पे खुद जो है इतना ज्यादा कोई कह सकते हो सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह जो है परफेक्ट नहीं है, तो वहां से अगर आप जो है बैकलिंक लेके आते हो तो डेफिनेटली बिकॉज आपके पास में मल्टीपल ऐसी वेबसाइट से डोमेन बैकलिंक आ रहे हैं जहां पर उनका डोमेन अथॉरिटी ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में आपकी वेबसाइट को भी जो है गूगल फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं करेगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम कोशिश करें कि जनरली हम लोग सोचते हैं कि चलो यार इसका थोड़ा कम है तो एक बार इससे बैकलिंक ले। कुछ बैकलिंक आप ऐसी वेबसाइट से लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सारे लिंक ऐसी वेबसाइट से लेते हो जहां पर आपके पास में उनका डोमेन अथॉरिटी नहीं है तो ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक लेना भी आपके लिए एक जो है नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप रिलेवेंट वेबसाइट से और जिनका डोमेन अथॉरिटी अच्छा है वहां से बैकलिंक लेने की कोशिश करें, बिकॉज वहां से बैकलिंक लेंगे तो आपका जो रैंकिंग है वो यहां पे इंप्रूव हो जाएगा गूगल सर्च इंजन के अंदर। तो बैकलिंक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी वेबसाइट्स के लिए ताकि हम जो है गूगल में टॉप रैंक पे जो है आ सकें। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को जो है ये बैकलिंक जो है ये कहां से कैसे क्या लेना चाहिए ये आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ये आपको पता चल गया होगा। अगर आपको और भी कोई डिटेल चाहिए इसके बारे में तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपने इस वीडियो के ऊपर में 50 लाइक और 20 कमेंट कर दिए तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को
प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि बैकलिंक्स आपको कैसे क्रिएट करने चाहिए, कैसे चेक करें कि जो सामने जिस पे बैकलिंक लेने जा रहे हो वो डोमेन जो है उसकी अथॉरिटी क्या है, ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।